पहली बार हम दिखाएंगे आपको हमारी अपनी इंडिया की सबसे चहेती हंसी का एक पूरा दिन और दिखाएंगे किस किस की लगती है वाट. प्लीज वेलकम भारती एज अर्चना एंड परेश एज वेरियस कैरेक्टर्स. हेलो आजयंत बाबा, पहुंच रही हूँ. 5 मिनट में तुम लोग 50 फोन कर देते हो. हाँ और सुनो, मेरे टोस्ट इडली और पराठे मंगा के रखना. और हाँ, दाल मखनी भी एक्स्ट्रा मक्खन के साथ. ये तुम्हारे लिए दूध और जलेबियाँ. उधर रख दो. अरे क्या कर रही हो, पूरा सेट तोड़ दोगी क्या? शट अप, मुझे एक्सरसाइज करने दो. ओह माय गॉड. अरे अरे ये क्या कर रही हो, गर्दन से ट्रक खींचोगी क्या? अरे नहीं परमु, वो तो मैं अपनी पलकों पे रस्सी बांध के खींच लेती हूँ. इससे कॉमेडी सर्कस खींच रही हूँ. देख क्या रहो, पकड़ो इसे. अच्छा क्या करूँ, जाओ यहाँ से. जब देखो औरतों की बातों में घुसता रहता है. और हाँ ड्राइवर ड्राइवर, ट्रक निकालो. ट्रक कहाँ है यार? आ ट्रक. चलो. ओह माय गॉड, लेट हो चुके हैं काफी. अरे मैडम, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अब जब ट्रक आपको ही चलाना है तो मुझे ड्राइवर क्यों रखा हुआ है? ताकि मुझे कोई ड्राइवर ना समझ ले. मैडम मैडम, सामने से दूसरी ट्रक आ रही है. ओह माय गॉड, इस लाइन में पंच कहाँ था? ये पंच नहीं था, हॉर्न था. देखा, डर के मारे सारे ट्रक फुटपाथ पे चढ़ गए. ट्रक गड्ढे में फंस गया है. गड्ढे में फंस गया ट्रक? हाँ. तो फिर मैडम आपको तो धक्का मारना पड़ेगा. शट अप, मैं और धक्का, रुको. चलो ठीक है. हाँ हेलो, क्या कह रहे हो? अच्छा मैं आता हूँ. मैडम ट्रक आपको ही ले जाना पड़ेगा. क्यों? मेरी सोसाइटी में एक 90 साल का लड़का एक्सपायर हो गया. तो मुझे तो वहाँ जाना पड़ेगा. मैं भी चलूंगी. नहीं नहीं, आप मत आइए, उनको बुरा लगेगा. बाहर भी गई शूटिंग, कोई बुरा नहीं लगेगा इनको. नहीं नहीं, शूटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मर गए ना उनकी फैमिली को बुरा लगेगा. पता नहीं ना आप कहाँ हंस दो. प्रॉमिस, मैं बिल्कुल भी नहीं हंसूंगी. प्रॉमिस कर रही हूँ, नहीं हंसूंगी. प्रॉमिस. ठीक है मैडम. तो मैडम ये है लाश. मैडम क्या कर रही हैं आप? लाश तो सर से पांव तक ढकी हुई है, फिर आपको हंसी क्यों आ रही है? मैंने सोचा टेबल पे कपड़ा डाला हुआ. तो आप क्या एक्ट करने के लिए सुरवीन को मार दें? उस पे कहाँ कपड़ा डालेंगे. अच्छा इनकी फैमिली में कौन कौन था? 16 लड़के हैं. माइंड ब्लोइंग, व्हाट अ परफॉर्मर. इनमें काफी एनर्जी लगती थी, व्हाट अ परफॉर्मर. लेकिन ये खुद लेटे हुए हैं, मैं इनको स्टैंडिंग ओवेशन दूंगी. मुझसे इतना मेरी बेइज्जती हो जाएगी. एक्चुअली मुझे परेश का जोक अब समझ आया. अच्छा अच्छा, इसलिए लास्ट एपिसोड में कम मार्क्स दिए थे. मार्क्स को छोड़ो, खाने पीने का क्या सीन है इधर? खाने का? अरे मैडम आप क्या कर रही हैं, ये तो अभी अभी मरा है आज. अगर खाना खाना है तो 13 दिन के बाद आना पड़ेगा. तो मुझे आज क्यों लेकर आए? ओह माय गॉड, कहीं शूटिंग का खाना भी खत्म ना हो जाए. जायन खाना डबल कर दो. लाश देख के भूख बढ़ गई है. चलो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, शूट में मेरा वेट कर रहे हो. आप जाके आओ. फाइनली सेट पे पहुंच गई मैं. जायन आ गया मैडम. हाँ जल्दी मेकअप वाले को भेजो, मुझे टाइम भी तो कितना लगता है. तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, ये मेरी नेल पॉलिश का ब्रश क्यों नहीं आया? मेकअप का ब्रश कहाँ है?
बताओ कि सुमेन के मुंह पे कितने डब्बे मेकअप लगता है? आप दोनों के मुंह पे एक सरीखे डब्बे लग जाते हैं। कैसे? उसका मुंह तो इतना सा है। नहीं नहीं, जितने डब्बे आपके मुंह पे लगते हैं उतने उसके टांगों पे लग जाते हैं ना। आराम आराम से, आराम से मैडम, मुंह बंद करके हंसिए, ब्रश अंदर चला जाएगा। पहले ही 16 ब्रश निकल चुकी हो। शट अप बदतमीज, लिपस्टिक लगाओ। लिपस्टिक मैडम, आपको पता है आपकी वजह से कितने लोगों का घर चलता है? शट अप, मैं किसी के घर में काम करने नहीं जाती। मैं राइटरों की बात कर रहा हूँ। सोचिए सोचिए, अगर आप इतना नहीं हंसते तो क्या होता? सच में कॉमेडी सर्कस वाले भूखे मर जाते। नहीं नहीं, तुम भूखी मर जाती। सॉरी सॉरी, शट अप, कोई हंसे। ओके ओके, भूखी मरती बदतमीज कहीं का। सॉरी सॉरी, मुझे भूखी मारेगा। भूख भूख से याद आया, मैं घर से चखने के लिए थोड़ा सा दूध लाई थी। ओ माय गॉड। हेलो अर्चना जी। हाय रोहित। आप टीवी पे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू रोहित। क्या है कि टीवी का वॉल्यूम कम कर सकते हैं ना? तो टीवी में भी वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी वॉल्यूम कम है म्यूट पार्टनर। लगता है ठाकुर का एक शुरू होने वाला है। आओ बैठो रोहित। आओ आओ। अरे नहीं नहीं अर्चना जी, ये तो टिंगू और मोटी आ गए। भारती और परेश को सेट की क्या जरूरत है? भारती के पेट में लाल किला लिख दो तो सेट हो गया। क्या बकवास कर रहे देखो। अब जब बकवास लग रहा है तो फिर हंस क्यों रही है आप? रोहित, तुम्हारी तो फिल्में चल रहे हैं, मुझे तो शो चलाना पड़ता है। हेड खत्म हो गया कमेंट से। भारती परेश, मैं आज आप दोनों को मारने वाली हूँ। क्या किया आप लोगों ने, एकदम कुछ समझ में। Excuse me, फोन आ रहा है मेरा। हेलो। क्या? Oh my God, नौकर आज फिर छुट्टी पे चला गया। होल्ड करो, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, जो भी मैंने कहा ये सब रोहित का कहना था। एक्चुअली मैं रोहित से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। माना कि आप लोगों की स्क्रिप्ट कमजोर थी, क्रिएटिव टीम भी आपके साथ नहीं बैठी होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने माइंड ब्लोइंग किया। और परेश, यू आपने इस एक्ट को 400 चांद लगा दिए। ओह माय गॉड। और परेश, स्पेशली यू, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, मना मत करना। आई वॉन्ट टू टेक यू होम। हेलो। हाँ, नौकर का इंतजाम हो गया। चलो चलो। क्या बात है अर्चना, कैसा लगा? I think it's really mind blowing and I want to take both of you home. आपका जो ये लास्ट वाला पंच है, दिस वांट टू टेक यू होम और नौकर का इंतजाम, आई थिंक इज अ फैंटास्टिक पंच। मेरी आज बाई और काम वाला दोनों नहीं आए हैं। I'm coming. I want to take both of you home. रोहित, तीन सीजन से भारती की एक इच्छा है, वो भी पूरी कर देता। I'll come and hug you there. Thank you, judges. तो चलते हैं स्कोर्स की तरफ। Both of you are smiling. Thank you. Whoa.